The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, kya haal hai dosto? कभी ना कभी आपके भी कानों में आवाज़ आई होगी, टिनिटस जिसे कहते हैं, रिंगिंग नॉइज़ आती है कानों में, आवाज़ आती है, कभी ब्लोइंग, कुछ ब्लो हो रहा है, कोई रिंग कर रहा है, कोई बज़, कोई हिस, कोई हम, कोई विसल, कोई सिजल, ऐसी कोई आवाज़ आपके कान में जब लगातार आती है, थोड़ी देर के लिए आती है या कभी कभी आती है, उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में या रिंगिंग ऑफ ईयर नहीं कहते, उसे कहते हैं टिनिटस। ये टिनिटस या वेन यू जब आपको आवाज़ें आती है, उसका कोई कारण होता है। आज हम बात करेंगे इसी बारे में, वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, टिनिटस क्या होता है। राइट, टिनिटस ज़्यादातर तब होता है जब आपको महसूस होता है जब बाहर कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली बाहर से कोई आवाज़ आ रही है वो आपको सुनाई दे रही है तो आप डॉक्टर के पास थोड़ी जाओगे, है ना। तो टिनिटस तब है जब आपको पता है कि बाहर कुछ नहीं है लेकिन आपको आवाज़ आ रही है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो और तब आपको फिक्र होती है। राइट, तो ये क्यों होता है? कई बार लोगों को लगता है कि कोई शायद हवा कहीं से बह रही है, मुझे सुनाई दे रही है, कोई पानी बह रहा है या कोई शंख बजा रहा है या कोई म्यूज़िक बजा रहा है, वो मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली ये बहुत कॉमन चीज़ है, कई लोगों को या ऑलमोस्ट सबको होता है कभी ना कभी, थोड़ा बहुत माइल्ड फॉर्म में कभी ना कभी टिनिटस होता है। ज़्यादातर जैसे सुनते हैं हम टीवी या मूवीज़ में किसी को भोर जोर से लाफा पड़ जाता है तो टू आवाज़ आती है टिनिटस जैसी, वैसे भी होता है कई बार और ये कुछ मिनटों के लिए रहता है। राइट, लेकिन अगर आपको लगातार हो रहा हो और बार बार हो रहा हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, सोना मुश्किल, रेस्ट मुश्किल, नींद मुश्किल, फोकस करना मुश्किल, कॉन्सेंट्रेट, एग्ज़ाम कुछ नहीं कर पाओगे आप। राइट, कुछ नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ऐसे में दो प्रकार के टिनिटस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ही को वो सुनाई दे रहा है और किसी और को नहीं सुनाई दे रहा, डॉक्टर को भी नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव टाइप का भी होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको तो सुनाई दे ही रहा है लेकिन जब कोई एग्जामिनर, कोई डॉक्टर आपके उसको एग्जामिन करता है तो एक स्टेथोस्कोप से आपके कान के पास या सर के पास या गले के पास डॉक्टर को भी सुनाई दे रहा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक्चुअली में कहीं से साउंड आ रही है आप ही के शरीर के अंदर जो आपको सुनाई दे रही है। उस केस में फिर कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी कारण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाते हो। और ज़्यादातर केसेस में कारण एक्चुअली में नहीं मिल पाता लेकिन कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? कारण क्या होते हैं कि जब बाहर से कहीं आवाज़ नहीं, अंदर ही आवाज़ है, तो आवाज़ कान के अंदर इन्फेक्शन की वजह से आवाज़ हो सकती है। कान के अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला जाए, कोई भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बाहर की चीज़ चली जाए तो आवाज़ कर सकता है। कान के अंदर वैक्स फंस जाए, ईयर वैक्स, तो भी आवाज़ कर सकता है। या आपको अगर हियरिंग लॉस हो, आपको सुनाई देने में दिक्कत है, तब भी आवाज़ आ सकती है। आपको अगर इनर ईयर की कोई बीमारी है, ईयर तीन प्रकार के, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, जो इनर ईयर जो कोक्लियर जो पार्ट होता है, जो हम बैलेंस का भी सिस्टम है, वहाँ पे आवाज़ आ, वहाँ पे बीमारी हो जाए तो आपको चक्कर भी आएगा, आपको डिजीनेस होगा, बैलेंस का प्रॉब्लम होगा, तो वो उसको मिनियर्स डिजीज़ कहते हैं। उस केस में भी आपको टिनिटस हो सकता है। और यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है, जो आपके थ्रोट और कान को कनेक्ट करती है, जो कई बार आपका चबाने से खुलती बंद होती है या फिर एरोप्लेन में जाते हैं तो कान खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो चीज़ बेसिकली यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर बीमारी हो तो भी आवाज़ आ सकती है। इनके अलावा एंटीबायोटिक से या कोई पर्टिकुलर एस्पिरिन नाम की दवा या फिर ड्रग्स, कोई ऐसे दवाइयों से भी नॉइजेस पैदा हो सकती हैं साइड इफ़ेक्ट के तरह से। यहां तक कि अगर किसी को आवाज़ आ रही है ऐसी, अगर कुछ चीज़ें हैं जो आवाज़ बढ़ा देंगी, दिक्कतें बढ़ा देंगी, जैसे कि सिगरेट, दारू और कैफीन, कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, ये चीज़ें आपकी दर्द, ये जो आवाज़ है उसको बढ़ा सकती हैं ऑलरेडी। और लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्चुअल बीमारी जो होती है वो कुछ और ही होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर बहुत, ऐसा नहीं है कि हर हाई ब्लड प्रेशर में टिनिटस होगा, लेकिन कुछ बार, कई कुछ एक हाथ बारी ऐसा हो सकता है कि आपका टिनिटस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, किसी एलर्जी के वजह से है, किसी खून की कमी, एनीमिया की वजह से है, क्योंकि वो एनीमिया है इसलिए वहाँ अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए है। ये भी एक रेयर
रेयर कॉजेज हैं, और भी इससे भी ज्यादा रेयर कॉजेज होते हैं, जैसे कि एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब खून की नस में सूजन आ गई, गुब्बारा बन गया, वहां पे ब्लड ऐसे घूमता है आपको सुनाई देने लग जाता है। ट्यूमर है कोई, ट्यूमर की वजह से आवाज आने लग जाती है, ट्यूमर में बहुत तेजी से ब्लड घूमता है, वहां पे आवाज आने लग गई। ये भी चीजें होती हैं कि यहां तक कि ये टीएम जॉइंट होता है, टिम्पैनोमैंडिबुलर जॉइंट, आपका ये जबड़ा है, ये जहां पे जाके जुड़ता है, इस जॉइंट में भी कई बार अगर दिक्कत हो जाए तो आवाज आने लग सकती है। डायबिटिक लोगों में, थायराइड वाले लोगों में, मोटापा हो या फिर सर में चोट लग जाए, तो उनमें खतरे ज्यादा हो जाते हैं कि आवाज ऐसी आने की बीमारी जल्दी हो जाती है उनको। तो ये सब हो गए कारण, ठीक है। और हाँ, जो हमारे फौजी हैं, जो जंग में सोल्जर्स होते हैं, उनको भी काफ़ी काम कॉमन होता है कि ये आवाज़ें आएँ, क्योंकि बहुत लाउड साउंड से वो एक्सपोज होते हैं, है ना, बम गोले तोप और गोलियां इनसे, और ओल्ड एज में कॉमन होता है, बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में तब होता है जब उनको कोई ना कोई हियरिंग लॉस हो, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, देखो कई बार तो ये जो होता है आवाज़ें अननोटिसेबल चली जाती हैं, तब तक नोटिस नहीं होती जब तक रात नहीं होती। रात में क्योंकि सब शांत होता है तो सोने के टाइम पे आपको नोटिस होती है, क्योंकि सब शांत है तो आपको आवाज़ आने लगती है, आपको नींद नहीं आती, आपकी नींद हराम हो जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद आप बहुत थके थके बीमार होने लगते हो। इसलिए मेन चीज़ है कि आपको नींद तो आए, चाहे आवाज़ किसी भी कारण से, वो बात की बात है, वो तो देखना ही देखना है, लेकिन नींद आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए टिनिटस को मास्क करते हैं, मास्किंग टिनिटस के लिए एक दो तरीके हैं। बैकग्राउंड नॉइज पैदा करनी चाहिए, उसके लिए एक वाइट नॉइज मशीन भी आती है, वो भी ये सकते हैं, या फिर आप कोई भी मशीन है आपके पास, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, ह्यूमिडिफायर है, वो चला सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, स्ट्रेस कम रखिए। स्ट्रेस होगा तो टिनिटस और बढ़ जाता है, तो एंग्जाइटी स्ट्रेस उसको कम रखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज जो है हेल्प करती है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, इनफ स्लीप, 7 से 9 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। और सोना है तो सर को थोड़ा ऊंचा रख के सोना है, सर को थोड़ा प्रॉप्ड अप रख के सोना है। सर थोड़ा ऊंचा रहेगा तो क्या होता है उससे कि आपके कंजेशन, सर में कंजेशन कम हो जाता है, और वॉइस जो है वो कम नोटिसेबल फील होती है, और यहाँ तक के टिनिटस दूसरी जो चीज़ों से बढ़ता है, कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, वो बंद करनी पड़ेगी आपको। और कान को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किसी भी डैमेज से, लाउड साउंड से बचना है। आप ईयरप्लग लगा के घूम सकते हो कि भाई मेरे को कोई गलती से हॉर्न वॉर्न ज़्यादा ना सुनाई दीजिए, क्योंकि अगर लाउड साउंड से आपके कान में डैमेज होता है तो वो कान में टिनिटस बढ़ा सकता है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर भी अगर टिनिटस इन सब चीज़ों से नहीं जा रहा, आपको कहीं सर में चोट लगने की हिस्ट्री है, या फिर सिम्टम बढ़ता जा रहा है, दिक्कत बढ़ती जा रही है, चक्कर आ रहे हैं, नौजिया, उल्टी, आपको बैलेंस में इश्यू, वोमिटिंग हो रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। या फिर एक ही कान में टिनिटस है और बहुत दिनों तक हो रहा है, कुछ हफ्ते हो गए, लंबा चल गया, फिर भी डॉक्टर को दिखाइए। ENT स्पेशलिस्ट, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो क्या करेंगे, पहले तो आपके कान का एग्जामिनेशन करेंगे, हियरिंग लॉस के लिए चेकअप करेंगे, ऑडियोमीट्री करेंगे, CT स्कैन, MRI हेड का होगा, और इवन एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस चेक होते, टेस्ट होते हैं, और ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कारण पे, कारण जैसा उसके ऊपर, पहले तो कारण ढूंढना, कारण मिल गया तो उसको ख़त्म करना, उसको ठीक करने का ट्रीटमेंट होगा। और जैसे कई बार छोटे सी एक चीज़ कान में वैक्स है वो निकाल दिया, ठीक हो गया, ऐसा भी होता है, या TM जॉइंट, यहाँ पे TM जॉइंट में प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है, फिर वो कभी कहेगा दांत क्लेंचिंग एक्सरसाइजेस करो, ग्राइंडिंग एक्सरसाइजेस करो, ऐसा भी होम एक्सरसाइजेस भी थोड़ी बहुत कभी कभार हेल्प कर लेती हैं। लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा आप कौन कौन सी दवा खा रहे हैं दूसरी बीमारियों के लिए, वो डॉक्टर को बताना, हो सकता है उन दवाइयों की वजह से उनको बंद करके दूसरी दवा से ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर कई बार ऐसी दवाइयां आती हैं जो आपको दी जा सकती हैं, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स, राइट, और कुछ स्पेसिफिक दवाइयां आती हैं इस चीज़ के लिए भी, वो आपको ENT स्पेशलिस्ट देंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, हर दवा हर एक पे काम नहीं करती, हो सकता है वो ट्रायल एंड एरर है, हो सकता है उससे काम हो जाए, उससे नहीं हो सकता है, राइट। उसके बाद एक टिनिटस मास्कर भी आता है जो कान में आप पहन सकते हैं, वो क्या करता है, कान के अंदर ही एक बहुत धीमी धीमी लो डेंसिटी की साउंड छोड़ता जाता है, उससे क्या होता है कि टिनिटस आपको सुनाई नहीं देता, वो कवर कर ले, मास्क कर देता है, राइट, वो आप कर सकते हो। और अगर एक्चुअली हियरिंग प्रॉब्लम है आपको, बच्चे को, किसी को, तो हियरिंग एड पहनाने से भी कई बार वो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन वो साउंड जो होता है वो हेल्प करता है दोनों में, हियरिंग लॉस में भी और टिनिटस में भी हेल्प करेगा। और बाकी चीज़ों के लिए आपको ENT स्पेशलिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके केस में क्या कारण है और कैसे ट्रीटमेंट होगा। ये हुई कंप्लीट ओवरऑल जानकारी
टिनिटस की, नॉइज़ की, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसको समझने की कोशिश करिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके इवैल्यूएशन कराइए, और उल्टे सीधे वीडियोस देख के उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स मत करिए अपने ऊपर, वो ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो, और किसी चीज़ पे वीडियो आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। 10 बजे रात को मैं लाइव आता हूँ, आके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन।